तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पर्यावरण और जैव समुदाय के अनुचक्रण को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी। एंड पर्यावरण शिक्षक उपयोगी है, पर्यावरण जो शिक्षा है वो उपयोगी है। कौन कौन से स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और कॉलेज स्तर पर, यानी सभी स्तरों पर ये क्या है, अनिवार्य है। तो वायुमंडल की निचली परत को क्या कहा जाता है? तो इसके बारे में चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये कहता है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, प्रभा मंडल और आयन मंडल। तो यहाँ पर क्षोभ मंडल को यहाँ पर जो है निचली परत कहा जाता है सबसे ज्यादा। तो किसी समुद्र में लवणता का प्रतिशत अधिक होता है वो उसमें किसका होता है, मृत सागर में, किस समुद्र में? तो मृत सागर में सबसे अधिक होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये है 78%। तो ये मैं आपको बता दूं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एंड मृदा मिश्रण, मृदा जो है वो मिश्रण है किस चीज का, ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो जल का, खनिज का, कार्बनिक पदार्थ का या उपयुक्त सभी का। तो ये क्या है, सभी का है, इन तीनों का है। उसके अलावा जल मंडल के अंतर्गत है सतही जल और भूगर्भ जल दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों, सतही जल और भूगर्भ जल दोनों ही हैं। और जल का सबसे शुद्धतम रूप है वर्षा का जल, कौन सा है, वर्षा का जल। भारत का सबसे विस्तृत मरुस्थल है वो है थार का मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है 500 किलोमीटर तक, याद रखेंगे पृथ्वी पर वायुमंडल जो पाया जाता है वो 500 किलोमीटर तक पाया जाता है। उसके बाद मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, किसमें होते हैं, वो क्षोभ मंडल में होते हैं यहाँ पर। उसके बाद ISO 1400 किस क्षेत्र में दिया जाता है, ISO 1400 किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है पर्यावरण प्रबंधन में, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में, ठीक है। ISO ये एक सर्टिफिकेशन होता है ISO 1400, ठीक है। ये किस संबंध में दिया जाएगा, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के संदर्भ में। और भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये कौन सी है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद जैव मंडल का विस्तृत क्षेत्र कितना है, वो है यहाँ पर 16 किलोमीटर। तो जैव मंडल का जो विस्तृत क्षेत्र है वो कितना है, 16 किलोमीटर। तो ये तो हो गए आपके क्वेश्चन, और अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। तो 15वां जो क्वेश्चन है आपका वो है यहाँ पर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा निकालनी है अगर, तो यहाँ पर देखा है 19%, 20%, 21% और 22%। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये 21% आंसर है इसका। एंड पर्यावरण प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है, पर्यावरण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, ये भी उद्देश्य है। पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करना, ये भी उद्देश्य है। प्राकृतिक स्रोतों को अति दोहन से बचाना, ये भी यहाँ पर इसका उद्देश्य है। तो यानी ये सभी उद्देश्य क्या है, इसके मान्य है। उसके बाद पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण अभियांत्रिकी या फिर सभी। तो यहाँ पर आता है सभी, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे फोकस करेंगे। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा, याद रखना गैर परंपरागत स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा। और जो परंपरागत स्रोत हैं वो है आपके कोयला, पेट्रोल और तापीय ऊर्जा, याद रखिए, ठीक है। और पर्यावरण घटक, पर्यावरण घटक क्या है, जल, मृदा, वायु, उपयोग सभी। तो ये पर्यावरण के घटक हैं, मृदा भी है, जल भी है, वायु भी है, यानी सभी क्या हैं, पर्यावरण के घटक हैं, फैक्टर्स हैं एनवायरमेंटल के। एंड पृथ्वी के कितने फुट नीचे का वातावरण पूर्णतः वातानुकूलित है, तो यहाँ पर देखिए 20-30 फीट, 40 फीट, 10 फीट, 20 फीट, यानी 10 फीट तक तो पर्यावरण पूरा मौजूद है यहाँ पर। तो 10 फीट है यहाँ पर इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखा नहीं है, वो है सौ पारिस्थितिकी, ये जो है पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखा नहीं है। पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण, भारतीय पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई, तो यह है 1970 में, 1970 में भारतीय पर्यावरण विज्ञान की विभाग की स्थापना की गई थी। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये जो है
5 जून को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे फोकस करेंगे। पर्यावरण विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस ये जो है 5 जून को मनाया जाता है, और 5 जून मतलब आज ही है, तो आज पर्यावरण दिवस है आपका, ठीक है। और पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है उद्योग धंधे, पशुपालन, कृषि, परिवहन। तो उद्योग धंधे सबसे ज्यादा पर्यावरण को बिगाड़ते हैं। उसके बाद तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई को, जो कि अभी निकल गया। 31 मई को तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम 25 करेंगे। ऐसी बहुत सारी मैं सीरीज डाल दूंगा कल तक, ठीक है। और परसों आपको अच्छे से ये पेपर देना है, बढ़िया करके पढ़ के जाना। तो आई होप आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस फंस जाएंगे।